बलिया जिले के बेरिया स्थानीय थाने के बगल में अवस्थित द्वाबा हॉस्पिटल में प्रसव के लिए भर्ती कराई गई गर्भवती की मौत हो गई है, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों लोगों ने अस्पताल पर जमा होकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। आरोपी चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को हिरासत में लिया गया है। चांदेयर निवासी राजू यादव की पत्नी पूनम देवी का प्रसव था। शनिवार की देर रात परिजनों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा में पहुंची। वहां महिला चिकित्सा अधिकारी नहीं होने के कारण जन प्रसव के लिए थाने के बगल में निजी चिकित्सालय द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। आरोप है कि सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पताल के संचालक द्वारा 25,000 रूपए जमा कराए जाते हैं, किंतु रविवार की सुबह 9 बजे पूनम देवी, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी, उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना परिजनों को मिली। सैकड़ों लोगों के साथ परिजन हॉस्पिटल पहुंचे और बवाल करना शुरू कर दिया। बगल में ही थाना था, इसलिए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। आरोपी चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को हिरासत में लेने के बाद मृतक पूनम देवी के पति राजू यादव की तहरीर पर आरोपी चिकित्सक के खिलाफ धारा 304 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया। SHO बेरिया धर्मवीर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सकों की टीम गठित की है, उनकी रिपोर्ट्स के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल चिकित्सक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। देवी। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? चांदिया। अच्छा, का मामला भइला है? मामला भइला कि हम आइनी हां 1 बजे घर से चली हां, 1:30 बजे मुझे पहुंचनी है संभल का। एक जानी रहली है तो कहली है कि ले जा, माने ऑपरेशन के होते तो ऑपरेशन से कहां ले ले रही है? ये जाए लिए बन शुरू में। कौन डॉक्टर है? दादा हॉस्पिटल। तो बाबा हॉस्पिटल बतौली आया एम्बुलेंस वाला बतौला। इधर बाबा हॉस्पिटल चंद्रशेखर सिंह। हां, चंद्रशेखर सिंह हमें मन तनी कि हम नाम जानत नहीं कि बकरी है हाला होते चंद्रशेखर के हट है बहुत नामिया रही कहले हैं। ऐसा बात बा कि सगरे घूम आई लेकिन ये हॉस्पिटल लेखा यही में जौन हुई तो यही हॉस्पिटल में हुई। हम कनिया बोलिए बोलिए भूखत बोलिए जी भू बोलिए कोनो सुनवाई नहीं थे लड़का के देश के शिकायत कर ला सेक्टर मेरा रुके तो का भइल रे लेके जाइनी ए जले कहने तो कहले कि पानी चढ़ाव तनी सुई लगाव तनी खून मंगौले बनी अब ऑपरेशन हुई पहले ऑपरेशन के तैयार कर लेला अब यहाँ जत एक बतौले पैसा जमा करबू तो कनिया कि हाँ जमा कर कटा ना एक खाली 10,000 जमा कनिया खून के 10,000 जमा कनिया आ 5,000 खून दवाई पानी चढ़ोले वो के जमा करनी 25,000 रुपया हम जमा कर ले एक बात से का भैया जब अभी पानी चढ़ावे लगल है 2 गो बाड़ी से नरस ओकनी के पानी चढ़ावे के भेजल बड़ा पानी चढ़ाव तक आई बार तो कहल झूमल है तो हम कहनी कि डॉक्टर साहब के कम के खून के कमी हो गई बा का आ तो हाँ मुँही के कमी भर जा हम जा तनियो सूते उ सूते चल गई ला आई छोकरियन के भेजल लगल रंडियन के चेक करत रही है एको बेर ना आके देखो तला जी कौन पोजिशन में हमारे मर्जी बाटे कौनो बात नहीं जब नहा खा के ऊपर सुतल बढ़े तो जब लड़की के ताको ताको तो टाइम हो तरला टाइम हम ना देखे 9 बजे तक अब बैला है तब देख तर कह देगी रेफर कर जब मर गई तब कल हाँ गाज बिगे लगल है लट्ट गुल हाथ गोर तो कहनी है कि भाई कहे पर दिए करियो जैसे गाज बिगे लगल है तो कह दे एक्शन लगाओ आ रेफर करम जा कहनी है कि एकदम ना हमनी के जाइम जा हमनी के एकदम ना जे ये जे रहम जा तू चलो संगे आगे आगे रोस में क्या का चाहतनी आगे का चाहतनी हमने धक्का करवाई चाहतनी करवाई चाहतनी जी इनका इनका के एथि करी रेस्ट करी जे लोग इनका दुकान दौरी टूटो नौकरी से बेनौकरी होकर इनका बाल बच्चा खैला भी मरो हमार चल गई तो इंदर कैसे जी तार लड़का के मरलो बड़ा है हाँ हमारे लड़का के मरला है दूध के यही रंग का कुत्ता पहनले बटे डॉक्टर के लड़का अच्छा हम के मारी फोन कर देला हां लड़का हम कर तो आ सिपाही हमारे लड़का के धैले बड़ा जुटी हमारा सती सिपाही जी के जुटी धैले बड़ा तब हम करी तोरे लेखा सिपाही हमारे लड़का बा गाड़ी महिला के गाड़ी बांध दे हां हे महिला के हे करे की अच्छा गाली इंदर लड़का गाड़ी देतले है इनका लड़का गाड़ी देतले हां गाड़ी देत रहले है सिपाही लोग तरफा बतिया उतर ललो सिपाही लोग तरफा बतिया तब पानी की सिपाही लोग का एक तरफा बतिया उतर लो मोदी के हॉल हो ऐसे हमारे इनका क्या अच्छा क्या क्या मामला है इनको 1 बजे से पेन लिवर स्टार्ट हुआ तो हम लोग एम्बुलेंस बुलाए एम्बुलेंस बुलाए ना तो हम लोग ये क्या बोल रहे हैं ना अपना सनबरसा वहाँ पर लेकर गए वो लोग बोले ना कि मतलब टाइम लगेगा आई इनको मतलब जाती पेन लिवर हो रहा था तो हम लोग बोले प्राइवेट में एडमिट कर देते हैं और पहला बच्चा इनको सीजर से था तो हम लोग बोले कि तकलीफ होने से अच्छा कि दूसरा भी बच्चा सीजर से ही हो जाएगा तो इनको यहाँ पर लेकर आए तो वो बोले कि सीजर हो जाएगा उनको मैं बोली ना कि नॉर्मल हो जाएगा तो वो मेरे ऊपर चढ़ बैठे वो डॉक्टर फिर मैं बोली कि कितना समय लगेगा बलिया लेकर जाए क्या तो बोल रहे कि बलिया बलिया किस लिए लेकर जाना है सब लोग बलिया से घूम के मेरे पास ही आते हैं और ये हालत इनका कर पता नहीं भाग गए हाँ 5:30 बजे से वो गए हैं तो जब मरीज
यहाँ पर नहीं है तब वो आए हैं ऊपर से, उसके बीच में एक भी बार देखने के लिए नहीं है। ऑपरेशन कौन कर रहा है? ऑपरेशन अभी किए ही नहीं थे, वही करने वाले थे। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत किया था, दर्ज किया दिए?